नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फैक्ट बाय मनोज पारिक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिकविजन कंपनी के किसी भी कैमरे को जब ऑनलाइन करते हैं तो उसके लिए एक ऐप जो होता है वो डाउनलोड करना पड़ता है, जिसका नाम है EZVIZ, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में भी ये ऐप आपको मिल जाएगा। तो इस ऐप को किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं और किस प्रकार से इसको रजिस्टर्ड करते हैं, ईमेल के जरिए या मोबाइल नंबर के जरिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे। ये प्ले स्टोर है, इसमें हम जाएंगे और प्ले स्टोर के सर्चिंग बार में हम EZVIZ इजूज टाइप करेंगे और ये इजूज आ चुका है दूसरे नंबर पे, तो इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हमारे मोबाइल में ये ऐप ऑलरेडी मतलब क्या है कि डाउनलोड है, अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो आपको इजूज ऐप को डाउनलोड करना है। हमारे मोबाइल में ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो ये अपडेट मांग रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से नहीं खोल के मैं उसको सीधा खोलूँगा, आपको ये डाउनलोड करके खोलना है। तो जैसे ये मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया और ये इजविज ऐप जो है ये यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। जैसे ही हम इजविज ऐप को ओपन करेंगे तो आप ये पाएंगे इस टाइप का सरफेस, जिसमें एक तरफ ईमेल आईडी होगा, एक तरफ मोबाइल नंबर होगा। तो ईमेल आईडी के बजाय अगर आप मोबाइल नंबर से इसे चलाते हैं तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ईमेल आईडी कई बार हम बना देते हैं और उसका रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं तो उसके पासवर्ड और यूज़र आईडी हम भूल जाते हैं, या ईमेल आईडी का जो नेम है वो भी हम भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि इसे मोबाइल नंबर से चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे ये ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस सरफेस को हम छोड़ेंगे, नीचे ये क्रिएट न्यू अकाउंट लिखा हुआ है, तो आप ये देखेंगे इसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नाम मांग रहा है। तो कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे ये मैंने फैक्ट बाई मनोज पारिक जो मेरे चैनल का नाम है वो दे दिया। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है सेलेक्ट रीजन, कि आप किस कंट्री से हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो मैं जैसे इंडिया से हूँ, तो आप यहाँ पे अपना कंट्री का जो है नेम है वो सेलेक्ट करेंगे। मैंने इंडिया सेलेक्ट किया और ये सेव कर दिया तो ये इंडिया आ गया। उसके बाद में ईमेल और फोन नंबर है, तो हमें इसे ईमेल के जरिए बजाय हमें फोन नंबर से इसे चलाना चाहिए। तो ये फोन नंबर पे +91 आ गया, फिर अपने को अपना मोबाइल नंबर देना होता है, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। इसको मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद में इसे आई एग्री करना है, तो मैंने आई एग्री किया। उसके बाद में यहाँ पासवर्ड बनाना है, आप इस ऐप का जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि पासवर्ड बनाओ तो इसमें कम से कम 3 या 4 जो इंग्लिश के अल्फाबेट है वो आपको डालने हैं, फिर बीच में 8D का निशान डालना है और फिर जो भी आप नंबर्स डालना चाहते हैं 1 2 3 4, तो मैं इजी वे में ही बना देता हूँ। जैसे मैं ये मान लो मैंने बनाया इसका पासवर्ड INDIA इंडिया, उसके बाद में बीच में मैंने 8D डाल दिया, उसके बाद में मैंने 1 2 3 4 डाल दिया। ये आप इसको देख सकते हैं, ये जो मैंने पासवर्ड बनाया है India 1 2 3 4। इसी तरह से आप अपनी चॉइस का कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। और मैंने क्रिएट अकाउंट पे ओके किया, जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे ओके किया तो जो नंबर मैंने डाला है वो मेरे किसी दूसरे मोबाइल का है, तो वो मोबाइल का जो पासवर्ड जो आया है वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पासवर्ड मेरे मोबाइल पे आ चुका है, तो मैंने यहाँ डाला। ये पासवर्ड डालने के बाद में ये प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे आपको सक्सेस दिखेगा, नीचे लिंक ईमेल, अगर आप अपना ईमेल आईडी भी इसे लिंक करना चाहते हैं तो ईमेल पे जाएं, वरना आपको एंटर पेज करना है। इजी वे में यहाँ पे आपको एंटर पेज करना है। ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू इनेबल फिंगरप्रिंट लॉगिन, अगर आपको इस ऐप को लॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट का लॉगिन रखना है तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेटर कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। उसके बाद में आपका ये ऐप जो है वो इसमें सेव हो चुका है। अब आगे का जो प्रोसेस है, जिसमें आप इसमें DVR या वाईफाई जो इजीविज के कैमरे आते हैं वो कैसे जोड़ते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि आप उससे कैमरे को या DVR को कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको दी और उसके अलावा आपको मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें माई प्रोफाइल दिया हुआ है तो यहाँ आप अपनी पूरी जानकारी देख सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में माई एल्बम, जो आप स्क्रिप्ट क्लिप बनती है आपके मोबाइल पे, या अलग से आप उसको क्लिप बनाते हैं या कोई भी फोटो खींचते हैं कैमरे की रिकॉर्डिंग की, तो वो यहाँ आती है। जनरल सेटिंग के अंदर नॉर्मली जनरल सेटिंग रहती है, मैसेज नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन साउंड है, आपको कैसा रखना है मैसेज जब आता है, लैंग्वेज को ऑटो रखो, ईमेल अलर्ट, अगर आपने ईमेल डाल रखा है तो ईमेल पर अलर्ट आ जाएगा कि आपका कैमरा ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, और डिवाइस ऑटो अपग्रेड ये डिजेबल कर रखा है, इसको इनेबल कर सकते हैं जिससे डिवाइस जो है वो ऑटो अपग्रेड होती रहेगी।
ये पैरामीटर्स को भी आप ऑन रख सकते हैं। ऑटो रिसीव एसएमएस अलार्म जो है वो आफ्टर पावर अप, मतलब आपका कैमरा जब पावर अप होता है तो उसका अलार्म आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी इसमें आपको सेटिंग्स मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि आप इस ऐप के जरिए किसी भी मतलब क्या है कि DVR को या वाईफाई कैमरे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।